और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप यकीन करें, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जिनका नाम है कामरान कुरैशी सर, आप यकीन करें कि उनके साथ काम करके मेरे लिए ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी, और मेरे लिए ये एक मेरी विश कहते हैं ना, जो सच हो जाती है जिंदगी में, कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और फिर इतने सारे अवार्ड्स विन करना, ये वाकई एक हाँ, बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अचीवमेंट है। कमल, मुझे ये बताइएगा क्या इंटेंस मोमेंट था, क्योंकि बड़ा ही यूं कह लीजिए कि सेंसिटिव रोल आपने इस मूवी में प्ले किया है। एक ऐसा लम्हा आया हो कि जब आपका भी दिल पसीज गया हो उस किरदार को निभाते हुए, उस सीन को करते हुए। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसे बच्चे की मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो मैं उस चीज को, जब आप उस कैरेक्टर में जाते हैं और आप जब सोचते हैं कि वाकई जब हकीकत में जिंदगी में इस तरह की चीजें होती होंगी, और फिर सोसाइटी में, और सबसे बड़ी बात आपके अपने ही घर में आपको क्या कुछ फेस करना पड़ता है बीइंग अ मदर, आप बच्चे को एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं, लेकिन सोसाइटी में या आपके घर में, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, या कोई भी हो, वो उस चीज को एक बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो वो मेरे लिए काफी टची मोमेंट था, उस कैरेक्टर को प्ले करना, और स्क्रिप्ट बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ था, और इस चीज को जिस तरह से दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया, वो उससे ज्यादा खूबसूरत था। तो वो स्क्रिप्ट जो कहते हैं ना, आपके दिल के करीब होती है कुछ चीजें, जी जी तो ये जी कैरेक्टर वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे ज्यादा शूटिंग का मजा किस जगह पर आया, क्योंकि यूके में भी मूवी शूट हुई है और फिर पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की तरफ भी हुई है, आपने सबसे ज्यादा कहां पर एंजॉय किया? मैंने ऑनेस्टली सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने थर में किया, और अच्छा, वो एक्सपीरियंस भी बहुत मजेदार था जी। और जो होली का इवेंट जिस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया था, सारा सेटअप लगाया गया था, आप यकीन करें वो एक तो इतनी खूबसूरत जगह थी, और हमने बहुत एंजॉय किया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने होली खेली है, और फिर वहां पे जो वो कल्चरल सारी चीजें, म्यूजिक, वो सब कुछ बहुत ही अमेजिंग था।